हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंटो। सो बात करते हैं नए टॉपिक पे के बारे में, और टॉपिक जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रिलेटेड अगला टॉपिक है, मोल फ्रैक्शन के बारे में। ना मोल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है जिसको समझना बहुत जरूरी है। या हम लोगों ने बहुत बार इस चीज़ को सुना होगा कि समथिंग कॉल्ड एज परसेंटेज और समथिंग कॉल्ड एज फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन या डिग्री, ये दो वर्ड्स हम लोग बहुत बार सुनते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को पहले समझेंगे, और इस टॉपिक को समझने के बाद फिर हम जाएंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक 500 मार्क्स का टेस्ट होता है, यू हैव 500 मार्क्स का टेस्ट, ठीक है, और उस 500 मार्क्स के टेस्ट में अगर आपको 200 मार्क्स मिलता है, यू स्कोर 200 मार्क्स, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपको कितना परसेंट मिला, ठीक है भाई। 500 मार्क्स में अगर आपको 200 मिलता है तो आपको एक्चुअली कितना परसेंट मिला, तो आप फटाक से कुछ आंसर देते हो, आप कैलकुलेशन निकालते हो। तो व्हाट बेसिकली डू यू डू, आप करते क्या हो एक्चुअली, आप करते ये हो कि आप कंपैरिजन निकालते हो कि अगर 500 में मुझे 200 मिलता है तो अगर वही टेस्ट 100 मार्क्स का हुआ होता, अगर 100 मार्क्स का हुआ होता तो मुझे कितना मिलता, तो 100 मार्क्स में से कितना मिलेगा, यानी हर 100 मार्क्स में आपको कितना मिलेगा। 100 को कहा जाता है सेंट, और आप हर 100 में से निकाल रहे हो इसलिए उसको कहा जाता है परसेंट, हर 100 में कितना। आप इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो अगर 500 में 200 मिलता है तो 100 में कितना मिलेगा उसको परसेंटेज लिखा जाएगा। तो परसेंटेज विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले में आपने क्या किया, आपको कितना मिला डिवाइडेड बाय टोटल कितना था मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने मल्टीप्लाई 100 से इसलिए किया क्योंकि आप 100 में से निकाल रहे हो। ना जरूरी नहीं है कि कंपैरिजन करने का स्केल हमेशा 100 में से होगा, कभी कभी हम कंपैरिजन करने का जो स्केल है वो आउट ऑफ 1 भी लेते हैं, 1 में कितना। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ 80%, अगर परसेंटेज के टर्म्स में अगर वो 80 है तो 1 के टर्म्स में वो कितना हो जाएगा, 0.8। अगर मैं आपसे कहता हूँ 20%, तो आउट ऑफ 1 परसेंटेज आउट ऑफ कितना होता है 100। और जब भी आप 1 में से लेते हो, आउट ऑफ 1 कितना, हम उसको कहते हैं फ्रैक्शन। आउट ऑफ 1 को या तो फ्रैक्शन कहा जाता है या तो उसको कहा जाता है डिग्री। तो जब आप कंपैरिजन का स्केल डिसाइड करते हो, 100 में अगर 80 है तो 1 में 0.8 होगा, 8 होगा। 100 में अगर 20 है तो 1 में से कितना होगा, 0.2 होगा। अगर 100 में से 75.50 है तो आपका 1 में से 0.7550 होगा। आई होप आपको यहां पे समझ में आया। तो दोनों के बीच में आप अगर एक डिफरेंस देखो, आपको जब 0.7550 को 75.5 में कन्वर्ट करना था आपने मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, 0.2 को 20 में कन्वर्ट करना था मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, 0.8 को 80 में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे। तो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो वहीं पे, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया। तो हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे, एक फॉर्मूला वो होगा जो आपको परसेंटेज के बारे में बताएगा, यानी 100 में कितना, अगर 500 में 200 है तो 100 में कितना। सिमिलरली एक फॉर्मूला मेरे पास वो होगा जो मुझे बताएगा फ्रैक्शन के बारे में। तो मेरा फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 1। जैसे यहां 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा बिकॉज आई एम फाइंडिंग आउट ऑफ 100, तो सिमिलरली यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 में से, बिकॉज मैं किस में से निकाल रहा हूं, आउट ऑफ 1। अब समझ में आ, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा स्केल 100 और 1 होगा, कभी कभी हमारा जो स्केल होता है वो आउट ऑफ 10 भी रखते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ 80%, तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा वो 0.8। ये 100 में से है, ये 1 में से है, सिमिलरली मेरा स्केल 10 में से भी हो सकता है, तो मेरा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। अगर मैं कहता हूँ 95%, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 9.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.95। अब तीनों के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आएगा, जो भी जितना भी आप जिसका निकाल रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे जिसका भी आप निकाल रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, 10, क्योंकि आप 10 में से निकाल रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना भी आप निकाल रहे हो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 1, बिकॉज आप किस में से निकाल रहे हो, 1 में से। सो जिसका भी आप परसेंटेज निकाल रहे हो वो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज। जिसका भी आप आउट ऑफ 10 निकाल रहे हो तो जितना भी जो है वो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 10, और जिसका भी आप फ्रैक्शन या डिग्री निकाल रहे हो वो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ इतनी इंफॉर्मेशन के साथ अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन पे, यानी मोल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो सपोज करो अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, यू हैव गॉट अ सोल्यूशन,
और ये सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, लड़े से ए जो है आपका सॉल्वेंट है और जो बी है आपका वो सॉल्यूट। मैं ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, वैसे अलग नहीं होना चाहिए, ए और बी दोनों मिक्स होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही कहता है इट हैज टू बी होमोजीनियस। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो आपने हेटरोजीनियस बना दिया अलग अलग, दैट जस्ट फॉर रेफरेंस, यानी पढ़ने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ, ए और बी दोनों एक साथ मिक्सअप होंगे। ना लड़े से अगर मैं कहता हूँ ए का आपके पास 5 मोल है इस सॉल्यूशन में और बी का आपके पास 3 मोल्स है इस सॉल्यूशन में, तो मुझे बताओ टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स विल बी इक्वल टू 5 + 3, आंसर विल बी 8, यानी आपके पास टोटल 8 मोल हैं। नाउ इस 8 मोल में ये 5 मोल्स किसके होंगे, 5 मोल्स होंगे आपके सॉल्वेंट के और आपका 3 मोल्स जो होगा वो किसका हो जाएगा, आपका सॉल्यूट का, ठीक है। ना मेरा अगला क्वेश्चन ये है, अगर टोटल 8 मोल हैं तो उसमें आपके सल्यूट का, अब देखो परसेंटेज मैं किसी का भी निकाल सकता हूं, मैं सल्यूट का परसेंटेज निकाल सकता हूं, मैं सॉल्वेंट का परसेंटेज निकाल सकता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर टोटल 8 मोल हैं उसमें आपका सल्यूट का परसेंटेज कितना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम यहां पे ना, यहां पे हम सल्यूट के बारे में लिखेंगे, ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे सॉल्वेंट के बारे में, क्योंकि परसेंटेज सॉल्वेंट का भी निकाला जा सकता है। तो सल्यूट के बारे में आप क्या करोगे, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे कि टोटल आपके पास कितने मोल्स थे, 8 मोल, उस 8 मोल में आपका सल्यूट कितना प्रेजेंट है, 3 मोल। तो अगर टोटल 100 मोल्स होते, अगर टोटल 100 मोल्स होते तो मुझे बताओ उसमें आपका सल्यूट कितना मोल्स होता, तो एक्स मोल्स होता। अब जो भी है एक्स मोल्स होगा इसको एक्चुअली क्या कहा जाएगा, परसेंटेज। तो आपका परसेंटेज ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितना का आंसर कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे 3 / 8 × 100। तो फॉर्मूले को मैं कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, हमेशा याद रखना आपके सल्यूट का मोल्स कितना होता है, हम लोग हमेशा सल्यूट को या तो 2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या तो बी के साथ, और हमेशा हम लोग सॉल्वेंट, जब भी हम किसी चीज़ को सॉल्वेंट के बारे में लिखेंगे तो या तो उसको 1 के साथ या तो उसको A के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को कैसे लिखोगे, N2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैसे लिखोगे, N1। या तो इसको क्या लिखा जाएगा, NB, या तो इसको क्या लिखा जाएगा, N of A। तो सिमिलरली अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कैसे करूँगा, 3 मोल्स ना, 3 मोल्स किसका है, सल्यूट का, तो दिस विल बी N2 अपॉन दैट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स किसका बना है, टोटल मोल्स बना है N1 का और टोटल मोल्स बना है N2 का, दिस इज योर N1 एंड दिस विल बी योर N2। सो मैं नीचे लिख सकता हूँ N1 + N2 × 100। अब समझ में आया। सिमिलरली अब अगर मैं निकालता हूँ आउट ऑफ 1, मतलब मैं परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टेक आउट समथिंग दैट इज कॉल्ड इज फ्रैक्शन। तो अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना है, लेट मी स्टार्ट विद फ्रैक्शन, ठीक है। अब मैं फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा कि भाई देखो 8 मोल्स आपके पास है, उस 8 मोल्स में आपके पास 3 मोल्स प्रेजेंट हैं, किसका, सल्यूट का। अगर टोटल मिला के 1 मोल होता, अगर टोटल मिला के 1 मोल होता तो आपका, आपके उस 1 मोल में सल्यूट कितना होता, उस समय सल्यूट जितना भी होगा उसको क्या कहा जाएगा, फ्रैक्शन। अभी तो फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो, ये फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हो, मोल का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, सल्यूट का परसेंटेज कितना है, जैसे सल्यूट का परसेंटेज वैसे ही सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, कैसे लिखोगे इसको, 3 / 8 × कितना आ जाएगा, 1। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1। अब 1 को हम कंसिडर नहीं करते, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा N2 upon N1 + N2। तो एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला मेरे पास ये है, ये किसके लिए है, ये परसेंटेज के टर्म्स में है और ये किसके टर्म्स में है, फ्रैक्शन के टर्म्स में। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सल्यूट के बारे में, क्योंकि ऊपर किसका आया है, सल्यूट का, दिस N2 रिप्रेजेंट्स सल्यूट और नीचे क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल। मुझे उम्मीद है समझ में आया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं सॉल्वेंट के बारे में निकालना स्टार्ट करूँ, हाउ विल आई फाइंड अबाउट सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के बारे में अगर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, लेट अस से सॉल्वेंट का फ्रैक्शन और परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, अब बताओ परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखोगे, तो टोटल कितने मोल्स थे आपके पास, 8 मोल्स, उस 8 मोल्स में सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है 5 मोल्स। तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है कि अगर 100 मोल्स टोटल होते तो उस 100 टोटल मोल्स में आपका जितना भी सल्यूट होता, परसेंटेज ऑफ ये सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉरी दिस विल बी परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। सो देयरफॉर मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5 / 8 × 100। अब 5 मतलब क्या हो गया, N1 upon
एन वन प्लस एन टू मल्टीप्लाइड बाय 100. सिमिलरली अगर फ्रैक्शन निकालना होता तो अब फ्रैक्शन में यहाँ पे 100 की जगह क्या आ जाता, 1, आउट ऑफ 1 कितना, तो यहाँ पे अल्फ परसेंटेज नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन. तो अगर आपको कोई बोला जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू इंटू वन, तो मैं इंटू वन नहीं लिखता. ना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है तो ऊपर एन वन आएगा डिवाइडेड बाय टोटल, और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पूछा है तो ऊपर एन टू आएगा डिवाइडेड बाय टोटल. अरे भाई जितना परसेंटेज पूछा है, जिसका परसेंटेज पूछा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर परसेंटेज है, 1 अगर फ्रैक्शन में है. तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया. ना ये जो चीज़ें आपने यहाँ पे देखी ये सब बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए है. लाइक आपके पास एक ए है, आपके पास एक बी है. व्हाट इफ अगर आपका सॉल्यूशन टर्नरी होता, यानी अगर आपके पास तीन चीज़ें होती. जैसे अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक ए है, एक बी है और एक सी है. आई हैव गॉट ए, आई हैव गॉट बी, आई हैव गॉट सी. लेट अस से ए का जो मोल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो एन वन होगा, बी का जो होगा वो एन टू होगा, सी का जो होगा वो एन थ्री होगा. अब अगर मुझे यहाँ पर एक किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, अब मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात नहीं करूंगा, फ्रैक्शन, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो लेट मी फाइंड आउट एन वन. तो एन वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब मोल फ्रैक्शन निकालना. सबसे बड़ी बात, मोल फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, लाइक हाउ डू यू राइट मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है, दिस इज हाउ यू राइट मोल फ्रैक्शन. नाउ दिस इज नॉट एक्स, एक्चुअली इसको कहा जाता है काय, इट्स रिटन एज काय. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सिंबल है, जहां पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी काय के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. बट कैसा है ना कि हम यूजुअल लैंग्वेज में इसको हम एक्स ही बोलेंगे, लाइक विल स्पेल इट एज एक्स. ठीक है, तो मुझे किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना, यानी वन का. तो एक्स वन विल बी इक्वल टू जिसका निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल. तो टोटल कितना हो जाएगा, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री. सिमिलरली एक्स टू कितना हो जाएगा, एक्स टू विल बी एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री. सिमिलरली एक्स थ्री कितना हो जाएगा, दिस विल बी एन थ्री अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री. आई होप आपको यहां तक समझ में आया. अगर क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होता तो, अगर चार लोगों का प्रेजेंट होता तो जिसका भी निकालना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर, क्योंकि अब वहां पे चार लोग हैं जो टोटल सॉल्यूशन को बना रहे हैं. तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया. नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना. मुझे बताओ अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक एग्जाम में आपको 60% मार्क्स मिला, कितना नहीं मिला, 40% नहीं मिला, तो कितना मिला और कितना नहीं मिला, टोटल मिला के क्या आता है, 100%. अगर एक सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना है तो वो 100% है. अगर उस 100% में, या फ्रैक्शन में कहूँ तो वो पूरा 1 है, परसेंटेज के टर्म्स में वो पूरा 100 है. अगर उसमें सॉल्यूट इज 40% तो बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट हैज टू बी 60%. अगर सॉल्यूट इज 25% तो बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट हैज टू बी 75%. अगर आप किसी एक का परसेंटेज निकाल लेते हो तो आपको दूसरे का परसेंटेज निकालने का जरूरत नहीं है. तो सिमिलरली मैं इसको जनरलाइज कैसे कर सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, इफ आई गॉट अ बाइनरी सॉल्यूशन, तो एक्स वन प्लस एक्स टू हैज टू बी इक्वल टू 1. अब क्योंकि मैं फ्रैक्शन के टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो 1 आएगा, अगर परसेंटेज के टर्म्स में बात करता हूँ तो वहाँ 100 आता, यानी इसका परसेंटेज प्लस इसका परसेंटेज विल गिव यू 100%, इसका फ्रैक्शन प्लस इसका फ्रैक्शन विल गिव यू 1. सिमिलरली अगर आपके पास एक टर्नरी सॉल्यूशन होता तो आप कैसे लिखते, तो आप लिखते एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री विल बी इक्वल टू 1. अगर क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होगा तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर विल बी इक्वल टू 1. इवन आप इसको प्रूफ कर सकते हो. जैसे अगर मैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री करूं तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो उनका जो नीचे का स्टफ है वो सेम है, सिर्फ ऊपर की चीज़ें चेंज हो रही हैं. अगर हमको पता है, हमारे मैथमेटिक्स का एल्जेब्रा का लॉ ये कहता है कि अगर आपका नीचे वाला स्टफ सेम होता है तो आप इसको ऐड कर सकते हो. तो आप कैसे लिखोगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री विल बी इक्वल टू, सिंस नीचे का सबका सेम है तो क्या आ जाएगा, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री. अब ऊपर का आपको ऐड करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, और ये क्या हो जाएगा, कैंसल, आंसर विल बी इक्वल टू 1. तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि मोल फ्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है. मोल फ्रैक्शन एक्चुअली आपको सिर्फ इतना बताता है कि पूरे सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट का या आपके सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी उसका परसेंटेज वहां पे कितना है. जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ रही है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि उसका फ्रैक्शन या परसेंटेज बढ़ रहा है. एक काम करते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं. तो आपके सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ
10% NaOH सॉल्यूशन, आपको 10% NaOH सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, और वो भी मोल फ्रैक्शन किसका कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो दो चीजों का होता है, सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है, हम दोनों का कैलकुलेट करेंगे, इवन तो उन्होंने सिर्फ सॉल्यूट का पूछा, हम दोनों का कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 10%, यार ये 10% इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट का मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि इफ अगर आपके पास एक 100 ग्राम का सोल्यूशन होगा और सिंस वो 10% है, इसका मतलब उसमें 10 ग्राम कौन प्रेजेंट होगा, NaOH, और उसके अंदर 90 ग्राम कौन प्रेजेंट होगा, वाटर। आई होप यहां तक समझ में आया। तो सारी जानकारी सिर्फ यहां से जुटाना बहुत जरूरी है, दिस 10% इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि दो ही तो लोग हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाटर और NaOH का होगा। अब अगर मुझे इनका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए तो मोल फ्रैक्शन निकालना आसान हो जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, अब तुम उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O NaOH, करेक्ट है ना। क्यों जरूरत है, अगर एक किसी का मिल जाता है तो दूसरे को निकालने का जरूरत नहीं है, इसको ऐसे मत करो, सिंपल करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। आई होप यहां तक समझ में आया। तो अगर आपको NaOH मिल जाए और NaOH को निकालने के लिए आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का जरूरत है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना है तो मुझे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। हाँ तो दे दिया है ना, यहां नहीं दिया है, पर 10% इनडायरेक्टली दे दिया है कि आपके पास 10 ग्राम NaOH है और 10 ग्राम और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40, इसका आंसर आएगा 0.25। आई होप क्लियर है। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलार वेट, सो ये कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 18, इसका आंसर कितना आएगा 5। अब इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, तो सब्स्टिट्यूट करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 5। अब जो भी आंसर आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिकल आंसर, भाई मुझे समझ में आ गया स्टेप्स कैसे करनी है। अब जो भी यहां पे आंसर आएगा वो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, NaOH का। अब उसको 1 में से माइनस कर दो तो आपको किसका मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सिमिलर बेसिस पे आप ये न्यूमेरिकल मेरे लिए ट्राई करोगे, आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 और 2, मैंने बोला नहीं है 1 कौन है 2 कौन है, आप अंदाजा लगा लो। तो HNO3 जो होगा वो किसका काम करेगा वहां पे, सल्यूट का, और जो वाटर होगा वो किसका काम करेगा वहां पे, सॉल्वेंट का। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, दोनों का वेट दे दिया है। अब मैंने वेट दे दिया, यहां वेट दिया नहीं था, यहां इनडायरेक्टली बताया गया था 10%, आपको 10% से अपने आप अंदाजा लगाना पड़ रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं। यहां आपको एक्चुअल वेट दे दिया कि 12.5 ग्राम ये है, 90 ग्राम आपके पास ये है, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 निकालोगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 कितना आ जाएगा, 12.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, दिस विल बी अगेन 90 डिवाइडेड बाय 18, इसका आंसर कितना आएगा 5। याद रख लेना ये एक वैल्यू है जिसको बाय हार्ट कर लो, 90 डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि 18, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये बहुत न्यूमेरिकल्स में आने वाली है और ये आपके एंट्रेंस का एक ट्रिक हो सकता है, ये आपका टाइम बचा लेगा। तो व्हेनेवर यू सी 90 डिवाइडेड बाय 18 इसको 5 लिख देना, हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब आपको दो मोल्स मिल गए, अब ढूंढो जिसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मोल फ्रैक्शन को समझ में आया, मोल फ्रैक्शन के सम्स कैसे सॉल्व करना है। मोल फ्रैक्शन के सम्स में आपको डायरेक्ट कभी वेट या मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया होगा, चीजें घुमा फिरा के दी होंगी, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना और फॉर्मूले में क्या निकालना है और उसके लिए किसका जरूरत पड़ता है, इन चीजों को याद रखना है। आप किसी भी लेवल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे अगर आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। आई होप समझ में आया, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।